हेलो फ्रेंड्स, डॉली पोरवाल किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज स्प्रिंग रोल्स। स्प्रिंग रोल की शीट बनाने के लिए हम मैदे का डो तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 100 ग्राम मैदा लिया है, इसको हम सॉफ्ट गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंथ लेंगे, जिससे इसमें लम्स नहीं पड़े। ये सॉफ्ट गूंथ कर तैयार कर लेंगे। ये मैंने मैदे को सॉफ्ट गूंथ लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। 20 मिनट हो चुके हैं, अब डो तैयार है। सेम थोड़ा सा सॉफ्ट और करेंगे और इसकी छोटी छोटी बॉल बना लेंगे। इस तरह से ये मैंने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इनको बेल लेते हैं। ये पतली पतली रोटियां बेल कर डाल लेंगे। देखो, बेलते हैं। अब हमारी रोटियां बनकर तैयार हैं। अब हम दिखाएंगे सीट कैसे तैयार की जाती है। ये मैंने एक रोटी ली है, इस पर हम ये ऑयल लगाएंगे सही से पूरे में। बिल्कुल जगह छूटनी नहीं चाहिए। सारी सीट्स में ऑयल लगा लेते हैं। ये मैंने ऑयल लगा लिया पूरी रोटी में। अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रखेंगे इस तरह से। इसके ऊपर फिर से ऑयल लगाएंगे। मैं इसके ऊपर ये तीसरी रोटी डालूंगी इस तरह से। ये मैंने तीन रोटियां आपस में लगा ली थी। मैं सूखा मैदा डस्ट करके इनको हल्का सा बेलेंगे इस तरह से बेलेंगे। गोल गोल नहीं, अपने तरफ ऐसे प्रेस करके, ऐसे इस तरह से ऐसे घुमाकर इसको इस तरह से। ये तैयार है बेलकर। हम इसको सेक कर दिखाते हैं। ये मैंने गैस मीडियम हाई कर दी है और हल्का हल्का सा तवा गर्म हो जाएगा हमारा। तो हम इसको 10 सेकंड के लिए दोनों तरफ पकाएंगे। अभी थोड़ा सा गर्म हो जाए, ये डाल दें। दस सेकंड हो गए, हम इसको पलट के 10 सेकंड के लिए कर लेंगे। 10 सेकंड हो गए हैं, हम इसको हटा लेते हैं और ठंडा करने के लिए इसे रख देंगे कपड़े में। ये हम दूसरी सीट आपको बता रहे हैं कैसे बनाई। ये मैंने एक रोटी ली और इस पे मैंने पूरे में ऑयल लगाया। ये मैंने पूरे में ऑयल लगाया। अब हम इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे इस तरह से। दूसरी रोटी रखेंगे, हम इसके ऊपर फिर से ऑयल लगाएंगे
पूरे में अच्छे से और लगा लेते हैं, किनारे पे भी अच्छे से लगाएं। ये मैंने दूसरी रोटी में लगा लिया है, ये हम तीसरी रोटी डाल देते हैं। इसको हम सूखे मैदा से डस्ट करके फिर से बेलेंगे। ये दूसरी तरफ पलट कर इधर भी मैदा लगा लेते हैं और इसे हम इस तरह से बेलेंगे अपनी तरफ, इस तरह से ऐसे घुमाकर फिर से अपनी तरफ। इस तरह से ये मैंने पूरी बेल ली है। हम इसको ऐसे उठाकर तवा पर डाल देंगे और इसको मीडियम आंच में 10 सेकंड के लिए इसको भी सेकेंगे, 10 सेकंड इस साइड, 10 सेकंड पलट कर। ये हमारी सीट सिक्के तैयार है, ठंडी हो गई है। अब हम इनको हटाकर दिखाएंगे। इस तरह से आराम आराम से हटाएं, ये देखो आराम से हटाएं, ऐसे ऐसे करके इस तरह से ये हट रही है। ये हमारी सीट तैयार है, ये देखो इस तरह से हमारी सीट्स तैयार हो गई हैं। देखो ये भी चुटा लेते हैं। ये हमारी सीट्स बनकर तैयार हैं। अब हम इसके लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। कि मैंने एक पैन रख दिया है गैस पर, गैस हम मीडियम हाई ही रखेंगे। ये मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाला, ये मैंने 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और ये लहसुन कद्दूकस करके रखे हैं 10, इनको इसमें डाल देते हैं। थोड़ी देर भूनेंगे। तो ये मैंने 2 प्याज काटी है, इनको भी डाल देते हैं। इनको भी भूनेंगे। हल्का सा गुलाबी होने तक प्याज भूनेंगे। एक पिंच हींग, थोड़ा सा जीरा, आधा चम्मच धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, इसको चला देते हैं। अभी मैंने 2 गाजर कद्दूकस करके लिए, इसको भी डाल देते हैं। और ये किए शिमला मिर्च लिए महीन काट कर, और ये मैंने 1 कटोरी पत्ता गोभी लिया, इसको भी डाल देते हैं। अब इसको हल्का सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं करना है, हल्का सा भूनेंगे, सारे मसाले मिक्स हो जाएं। इस तरह से आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट है, इसे भी हम ऐड कर देते हैं। चलाएंगे। मैंने हरी मिर्च पहले डाल दी थी और लाल मिर्च भी डाली है, आप चाहें तो लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं। मैं 2 चम्मच सोया सॉस डालेंगे, 2 चम्मच विनेगर डालेंगे, इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हमारी फिलिंग तैयार है, गैस बंद कर देते हैं।
रोल्स बनाकर तैयार करते हैं। ये मैंने एक शीट्स ली है, इसके चारों तरफ ये मैदे का घोल लगाएंगे इस तरह से पूरे में। अच्छी तरह से चारों तरफ घोल लगा लो। अब हम इसमें फिलिंग भरेंगे। इस तरह से फिलिंग भरेंगे। अब हम इसको बंद करते हैं, ऐसे कर लें। फिर यहाँ पर फिर से घोल लगाएं पूरे में इस तरह से। फिर इधर से इस तरह से करेंगे, इसे चिपका देंगे। फिर यहाँ पे फिर से घोल लगाएंगे। फिर इसको इस तरह से पलट देंगे, ऐसे दबाकर फिर इसको रोल करेंगे इस तरह से। यहाँ पर और लगा दें थोड़ा सा, फिर इसको रोल करेंगे इस तरह से। ये हमारा देखो तैयार है बनकर। हम इसको बाद में डीप फ्राई करेंगे। इस तरह से हम सारे रोल तैयार कर लेते हैं। ये मैंने सारे रोल्स बनाकर तैयार कर लिए। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अपनी रोल्स डीप फ्राई करेंगे इस तरह से। इनको निकाल लेते हैं। ये हमारे रोल्स गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब हमारी वेज रोल तैयार हैं। ये मैंने प्लेट में सर्व कर ली हैं। आप इसे चटनी के साथ खाएं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।